गाइस टुडे वी आर गोइंग टू मेक समथिंग वेरी स्पेशल. इट्स कॉल्ड पोस्तो चिकन और खसखस चिकन एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस फॉर माय सिस्टर्स बर्थडे. पहले तेल गरम कीजिए. यहाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में तेल लगेगा. एक दो तीन चार पाँच. अभी तेल गरम कीजिए. अभी तेल गरम हो चुका है तो हम लाल मिर्च, जो ड्राई लाल मिर्च हैं वो डाल देंगे, और जो मैंने लहसुन काटे हुए थे बारीक वो डाल देंगे. ये हम सिम में पकाएंगे थोड़ी देर. तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है इस डिश में और लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगता है, और ये बिना पानी का होता है. अभी देखिए ये कलर चेंज हो चुका है लहसुन का. हम चिकन डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे. अभी चिकन पीसेस आप डाल दीजिए और इसे अच्छे से फ्राई करना है. अभी मैं खसखस का पेस्ट देने वाली हूँ. मैं इसका जो रेसिपी है पॉपी सीड का जो पेस्ट बनाया है मैंने, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो ये आप थोड़ा दीजिए. अभी एक दो टेबल स्पून तीन पाँच टेबल स्पून हमने खसखस का पेस्ट दे दिया है. अभी आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए, अच्छे से मिलाइए, और स्लो जो धीमे आँच पे आप अभी इसे पकाएंगे, ढक के पकाएंगे. मैं वो आपको बाद में दिखाती हूँ. अभी आप ढक के रख दीजिए और इसे पकने दीजिए. धीमे आंच पे आप इसे पकने दें. मैंने 10 टेबल स्पून दिया था बाद में, क्योंकि मुझे लगा कि सिंस हम पानी नहीं दे रहे हैं तो इसमें ग्रेवी नहीं होगा ज़्यादा, इसीलिए. अभी आप नमक डाल दीजिए थोड़ा. दो पिंचेस मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा चीनी भी डाल दीजिए. अच्छे से मिलाए. और धीमे आंच में पकने दे ढक के. तो दोस्तों आपका पोस्तो चिकन बनके तैयार हो गया है. ये आप चार जन मिलके खा सकते हैं. अगर और बढ़ाना है तो और मात्रा में चिकन और बाकी जो सामग्री है वो लगेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. थैंक्स अगेन.